हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिजिटल लॉजिक के अंदर का लॉजिक फैमिली के पार्ट टू को। पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? और हम कई बार नर्वस भी हो जाते हैं, तो वो नर्वसनेस नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आई हूँ ताकि आप लॉजिक फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रख सको। और कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या मतलब इम्पॉर्टेंस है, उसके अंदर से क्या क्वेश्चंस बनेंगे, उसके हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर दूँगी। बट मेक श्योर कि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिली की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, तो प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो को जाकर ज़रूर चेक करें। वहाँ पर डिजिटल लॉजिक के अंदर लॉजिक फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप कह सकते हैं फीचर्स, कि कब ये कैसे रिएक्ट करता है, किन चीज़ों पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, ऑल दोज थिंग्स। सो गाइज, बेसिकली इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लॉजिक फैमिली। अब कैसे याद रहेगा कि 5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? तो देखो, फैमिली है ना, फैमिली में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली जो एक फैमिली होती है उसमें एक मम्मा होते हैं, ठीक है, एक पापा होते हैं, और जनरली 3 बच्चे होते हैं। जनरली मतलब अगर पहले की फैमिली को आप देखोगे, अब याद कर लो, ठीक है, 5 मेम्बर होते हैं, हम 5, चलो ऐसे याद कर लो, हम 5 एक सीरियल था, है ना, फैमिली से याद रखो, फैमिली बेस्ड सीरियल था हम 5, उसमें 5 बच्चे थे उनके, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट आई एम गोइंग टू रिलेट कुछ रियल लाइफ थिंग्स ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि वो 5 चीज़ें हैं क्या। एक तो आ गई आपकी स्पीड, सेकेंड हो गया फैन इन फैन आउट, थर्ड हो गया नॉइस इम्यूनिटी, एंड फिफ्थ हो गया आपका पावर डिसिपेशन, ठीक है। अब कई बार लोग हैं ना इसको कैरेक्टरिस्टिक ना समझकर टाइप्स समझ लेते हैं, काइंड समझ लेते हैं, एडवांटेजेस समझ लेते हैं, डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 5 चीज़ें हैं, हम 5, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये 5ों याद कैसे रहेंगी उसकी भी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कि ये लॉजिक फैमिली के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको कुछ और याद नहीं आने वाला है। और अगर ये 5 चीज़ें आती हैं तो आपको ये याद आ जाएगा कि यहाँ पर हम लॉजिक फैमिली के एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स काइंड को नहीं, बल्कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ट्रिक पे आ जाते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर टुगेदर, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी ना कि अगर सारे के सारे फैमिली मेम्बर एक साथ भी बैठे हैं ना, तो वो लगता है कि अलग बैठे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर सबके पास मोबाइल फ़ोन है उनके इंडिविजुअल, वो साथ में बैठकर भी साथ नहीं होते हैं, तो हम नहीं कहते कि वो साथ में हैं। लेकिन लॉजिक क्या लगाएं कि वो साथ में बैठ जाएं? गर्मी का मौसम चल रहा है, है ना। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ठंडी हवा, अच्छी हवा। और अगर फ़ैन की अच्छी हवा मिल गई, मतलब कम खर्चे में फ़ायदा हो गया, तो मज़ा आ जाता है। वैसे ही याद रखेंगे कि पूरी की पूरी फैमिली एक ही रूम में एक साथ कैसे बैठे, तो लॉजिक लगाते हैं। और लॉजिक लगाया क्या? ड्यू टू द पावर ऑफ नॉइजी फैन। अब देखो, जब फैन आप धीरे पे चलाते हो, ठीक है, देखो जनरली जो आपका रेगुलेटर होता है उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुछ इतने ही नंबर्स होते हैं जनरली, ठीक है। अगर आप 1 या 2 पे चलाओगे उतना तेज पंखा नहीं चलेगा, 3 पे भी ठीक चलेगा, लेकिन गर्मी बहुत है, 5 पे अगर पंखा चला दो, फैन चला दो, पंखा ना बोल के फैन बोलती हूँ, तो उससे उसकी पावर बहुत होगी, नॉइज़ भी बहुत करेगा, लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे, अरे यार यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही है, पावरफुल हवा आ रही है, और आवाज़ भी कर रहा है पंखा, मतलब पंखा बड़ा अच्छा चल रहा है, फ़ैन बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ड्यू टू द पावर ऑफ नॉइसी फैन, ठीक है। अब देखो इससे कैसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे याद हो जाएगा, तो वो याद रखो, पावर डिसिपेशन हमने पढ़ा, नॉइजी इम्यूनिटी पढ़ा, फैन इन एंड फैन आउट हमने पढ़ा, 4 तो यही हो गए, ठीक है, 4 यहाँ पे हो गए। और स्पीड, जब पावर बढ़ी, पावर को हम स्पीड भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, कोई भी चीज़ की पावर ज़्यादा है तो वो स्पीड में चल रहा है, पंखा तेज में चल रहा है, फैन तेज में चल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो ड्यू टू द पावर स्पीड ऑफ नॉइसी फैन। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये जो हमने फैमिली की बात की थी 5 चीज़ें, वो ये 5 चीज़ें हैं,
ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर आराम से आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू दी पावर और स्पीडी नॉइस, स्पीड नॉइसी ऑफ फैन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो क्या हो गया, सबसे पहला स्पीड, फैन की स्पीड तेज हुई, पावर अच्छा खासा हुआ फैन का, ठीक है, नॉइस भी हो रहा है, मतलब कि फैन बहुत बढ़िया चल रही, तो फैन इन एंड फैन आउट याद रहेगा, मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ, आई थिंक आपको इससे याद तो रहेगा। फैन की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली फैमिली को एक रूम में खींच के ले आए, ठीक है, जो फैन के नीचे बैठे तो वहीं बैठे रह गए, जो बाहर बैठे थे वो भी अंदर आ गए, तो ये लॉजिक लगा फैमिली के अंदर ताकि वो एक साथ बैठे, स्पीड पावर एंड नॉइस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आपको ये याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्पीड, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जांपल से याद कराने की कोशिश की कि लॉजिक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइव होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, याद रहेगा, आई थिंक आप कभी नहीं भूलोगे। अब बात कर लेते हैं स्पीड की फंक्शनैलिटी को, स्पीड क्या बताता है, किस बात की स्पीड की बात कर रहे हैं, लॉजिक फैमिली में स्पीड से हम क्या कैरेक्टराइज कर पा रहे हैं, सो हाउ स्पीड ऑफ अ लॉजिक सर्किट इज डिटरमाइंड, यहाँ पे स्पीड किसकी बात हो रही है, लॉजिक फैमिली की नहीं, लॉजिक सर्किट की, क्योंकि सर्किट के थ्रू ही तो हम लॉजिक फैमिली को बना रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सर्किट्स दैट मीन्स कि ग्रुपिंग ऑफ लॉजिक गेट्स एंड उसके अंदर जो भी डिजाइनिंग यूज़ की जा रही है हम उसको कैसे बता पाते हैं, लॉजिक फैमिली के थ्रू, यही हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। बट हाउ स्पीड ऑफ अ लॉजिक सर्किट इज डिटरमाइंड, लॉजिक सर्किट की क्या स्पीड है, फास्ट है, स्लो है, कैसे काम करता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ये क्वेश्चन आता है। सो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, बाय द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, और चेंज इन द आउटपुट ऑफ द सर्किट, और सर्किट का जो आउटपुट का चेंजेस हुआ है, ठीक है, इसके बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम डिसाइड करता है कि कितना फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो क्यों आया है, उसे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया, मुझे इंग्लिश सीखनी है, वो इंग्लिश सीखने आया, वो उसने इनपुट दिया, और जब वो सीख जाएगा तो उसका आउटपुट होगा, उसको सीखने आने में और सीख के जाने में कितना टाइम लगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 15 डेज, ये उसका स्पीड हुआ, जितनी जल्दी वो सीख रहा है मतलब उसकी स्पीड अच्छी है ना। एग्जैक्टली सेम जो इनपुट है एप्लीकेशन का और जो इनपुट को आउटपुट में चेंज करने का जो टाइम लगा सर्किट का, वो टाइम डिसाइड करता है कि लॉजिक सर्किट की स्पीड कितनी है, दिस इज द वे वी कैन डिटरमाइन। फैन इन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, फैन इन एंड फैन आउट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैन इन क्या बताता है वो समझो, फैन इन डिटरमाइन करता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, विशेषताएं, फीचर्स, वो चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्या डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स द लॉजिक गेट कैन हैंडल। एक लॉजिक गेट है, फॉर एग्जांपल नॉट लॉजिक गेट है, ठीक है, हमने लिया इसको यहाँ पर नॉट लॉजिक गेट है, अब ये कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को एक साथ लेकर चल सकता है, फैन इन मतलब, फैन इन मतलब इनपुट, फैन मतलब लेकर चलना, हैंडल करना, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को हैंडल कर पाता है। फैन आउट क्या करता है वो समझो, बहुत सारी जगह पे आपको बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज में मिलेगा, बट मैंने आपको मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको लाकर दिया है। फैन आउट क्या करता है, सिंपल, द नंबर ऑफ सर्किट्स दैट अ गेट कैन ड्राइव, एक गेट कितने नंबर ऑफ सर्किट्स को लेकर चल सकता है, सर्किट्स मतलब उसका रिजल्ट एक निकल कर आया, एक आउटपुट निकल कर आया, ऑब्वियसली बात है इनपुट से हमने सर्किट्स को क्रिएट किया, जो नंबर ऑफ सर्किट्स आए, ठीक है, उसको वो गेट कितना मतलब कितना लेकर चल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सर्किट्स को वो कैरी आउट कर सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फैन आउट। नॉइजी इम्यूनिटी क्या होती है वो समझो, मैक्सिमम नॉइस दैट, नॉइज इम्यूनिटी सेज मैक्सिमम नॉइस दैट अ सर्किट कैन विदस्टैंड विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट, आउटपुट पे बिना कोई इम्पैक्ट डाले, आउटपुट को कोई फर्क ना पड़े, बट एक सर्किट
कितना मैक्सिमम नॉइस लेकर चल सकती है ताकि आउटपुट को कोई परेशानी ना हो, बट वो नॉइस लेकर चल रही है, नॉइस इम्यूनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्किट हो, ठीक है, आप एक सर्किट हो, एक ह्यूमन है, वो सर्किट है, घर में कितने भी हल्ले हो रहे हैं, नॉइस हो रही है आपके अंदर, ये भी एक इम्यूनिटी है काइंड ऑफ। लेकिन आप पढ़ने बैठे हो, आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट आप कितनी देर तक उस नॉइस के साथ पढ़ पा रहे हो। एग्जैक्टली द सेम वे एक सर्किट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्लियर? फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर डिसिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो, किसी भी वर्ड के आगे डिस लग रहा है मतलब ये नेगेटिव है। डिसिपेशन को अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ, इट मीन्स वेस्टेज, पावर वेस्टेज की बात हो रही है। सो व्हेन अ सर्किट स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हेयर आई एम हैविंग अ सर्किट, एक इस स्टेट से इस स्टेट पे वो जाना चाहता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ पावर का लॉस होता है, कुछ पावर वेस्ट होता है, वो अपना पावर एक जगह से दूसरी जगह जाने में। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, और मतलब आप घर से बाहर रहकर एक पीजी में रह के पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो, बट ड्यू टू सम रीज़न आपको हॉस्टल ए से हॉस्टल बी पे जाना हुआ, तो आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा। जो आप अपनी पावर पढ़ने में लगा रहे थे वो थोड़ा सा वेस्ट होकर शिफ्टिंग में लग जाएगी। दिस इज़ द वे आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक सर्किट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पे जो पावर लगता है वो पावर वेस्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ द वे वी कैन एक्सप्लेन पावर डिसिपेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको एक सिंगल पेज में लाकर दी हैं। यू कैन सी, आपको यहाँ पे 5 ट्रिक्स के थ्रू आपको याद हो जाएंगे क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लॉजिक फैमिली के। तो अगर मैंने फ़ैन की स्पीड बढ़ा दी तो फैन की पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो उसकी आवाज़ हुई, नॉइस हुआ, उसकी नॉइस को सुनकर जो फ़ैन के नीचे बैठे थे वो तो बैठे ही रह गए, जो बाहर बैठे थे वो भी आ गए। सो स्पीड, फैन इन फैन आउट, नॉइस इम्यूनिटी एंड पावर डिसिपेशंस आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉजिक फैमिली विच डिफाइंस द सर्किट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली। स्पीड क्या डिफाइन करता है, फैन इन क्या करता है, फैन आउट क्या करता है, नॉइज इम्यूनिटी एंड पावर डिसिपेशन, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। सी, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये 5 चीज़ें हो गई, 6 हो गए, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो आपके यहाँ पे 11 पॉइंट्स कवर हो रहे, आप 10 मानकर चलिए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने SRP2। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, पसंद आ रहा है गाइस, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए। SRP 1 आपका मिस हो गया, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में आपके लिए Video 1 है, इंट्रोडक्शन का भी SRP आपको वहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू एंड चेक, राइट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।